News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम. About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण. On our digital platforms. सुनना न भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Good evening and welcome to the Saturday edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxations. Today's topic is types of mutual funds. You can send in your queries regarding this topic on email ID moneymatters.air@gmail.com. Or you could write in the comment section of the YouTube channel on which you are listening to Money Matters Today Live. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है. देश और लोगों के वित्त और उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में आज का विषय है म्यूचुअल फंड्स के प्रकार. आज इस विषय पर जानकारी देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल. यामिनी, मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. और चलिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस कार्यक्रम में कुछ एपिसोड्स में कि म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से प्रकार हैं. और इससे पहले हमने चर्चा की है इक्विटी और डेट पर. यामिनी, आप संक्षेप में उसको दोहराना चाहेंगी कि हमने अब तक क्या चर्चा कर ली है? जी, हमने बताया है कि एक म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं. और उसके अंदर इन्वेस्ट करने का पर्पस ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा है उसे पूल किया जाता है, जिसे कॉर्पस कहा जाता है, और फिर उसे जो है निवेश किया जाता है सिक्योरिटीज़ के अंदर, चाहे वो इक्विटी में हो, डेट में हो या और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हो. म्यूचुअल फंड का जो पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होता है कि जिस पीरियड के हिसाब से आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. रिटर्न्स आपको जो है डिविडेंड के पेमेंट्स के थ्रू मिल सकती है या कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू मिल सकती है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्योंकि आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आप जितना कॉर्पस अपना इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसका ज़्यादा भाग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और कम भाग डेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो टाइप के म्यूचुअल फंड्स हाइब्रिड स्कीम्स के अंदर आते हैं. पर उससे अगर सिर्फ आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, और 80% तक अपना इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी के अंदर रखते हैं, तो उन्हें इक्विटी स्कीम्स कहते हैं. ऐसे ही अगर आप डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, चाहे वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हों या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हों या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हों, और ज़्यादातर पैसा अपना इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें डेट स्कीम्स कहते हैं. जो होराइज़न है आपका म्यूचुअल फंड्स में लंबा रखा जाता है और पोटेंशियल देखा जाता है कि जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो. ज़्यादातर जो लोग इक्विटी में फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि या तो उनको डिविडेंड रिटर्न्स मिले या उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, जिसकी वजह से उनका पैसा कहीं गुना ज़्यादा बढ़े. जो लोग डेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि उनका जो जो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा अवर्स होता है, और वो जो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहते होते हैं और सेफ रिटर्न्स चाहते होते हैं, इसलिए वो डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या डेट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं. बाकी जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कैटेगराइजेशन है, उसके हिसाब से इक्विटी, डेट और आपके हाइब्रिड स्कीम्स आते हैं, और आपके सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स होते हैं और अदर स्कीम्स होते हैं. इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे किया गया है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो कहाँ पे इन्वेस्टेड है और कैसे इन्वेस्टेड है. डेट स्कीम्स में वो पोर्टफोलियो इसलिए भी डिवाइडेड है जिसके जो बेसिस फाइंड किया गया है मैकॉली ड्यूरेशन के बेसिस पे, जहाँ पे मैकॉली ड्यूरेशन ये बताता है कि आपको कितने समय में आपका पैसा वापस मिलेगा. Okay, so these were the types of mutual funds that you described. Today we'll be focusing on the hybrid funds, right? So would you let us know what is the conservative hybrid fund, or
in commonality, what does the hybrid funds do? So jab hum baat karte hain, when we talk about the hybrid funds primarily are funds which invest in equity and debt. So when we looked at these schemes, which were only equity schemes or debt schemes, they were primarily focusing on either equity or were primarily focusing on debt. Here, a balanced portfolio is created for equity and debt. So when you talk about a conservative hybrid fund, it is an open-ended hybrid scheme which is there, which is predominantly investing in debt. We call it conservative primarily because people who invest in debt are looking in for safer returns because the coupon payments or the interest payments are secured over there. So investments in equity and related instruments with the corpus of the mutual fund is about 10 to 25% of the total assets, and investments in the debt instruments of are about 75% to 90% of the fund money in a conservative hybrid fund. Yamini, aapne conservative ka naam bataya, lekin iske alawa jo aur bhi kism ke hybrid funds hain unki charcha karenge, lekin ek sawal mere man mein aa raha tha ki jo isse pehle ye jo naya vargikaran aaya hai SEBI ka, isse pehle jab hum baat karte the to hum aksar apne shrotaon ko salah bhi dete the karyakram mein ki aap balanced fund mein nivesh kare, shayad hybrid usi ko naam diya gaya hai naya. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप जब निवेश करें तो आपको पोटेंशियल गेन्स भी हों कैपिटल रिटर्न्स के थ्रू और आपके रिटर्न्स सेफ भी रहें. तो जब आप इन्वेस्ट करें तो अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करें डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी और इक्विटी सिक्योरिटीज़ के अंदर, ताकि जोखिम कम हो सके. इसलिए इन स्कीम्स को हाइब्रिड स्कीम्स कहा जाता है, जहाँ पे बैलेंस मेंटेन किया जाता है इक्विटी और डेट का. और जिस प्रकार का एक निवेशक का रिस्क प्रोफाइल कहें, या तो वो रिस्क लविंग है या वो रिस्क अवर्स है, उसके ऊपर निर्भर करता है, या वो कितना रिस्क लेना चाहता है, किस उम्र के पड़ाव पर है, उस पर निर्भर करेगा कि वो कौन सा निवेश करे. जी, और लेकिन अब इसमें जैसे अब हाइब्रिड की बात करें तो एक इसमें भी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है, मतलब इस बैलेंस्ड फंड के अंदर भी एक बैलेंस्ड है, इस पर कुछ बताएं. जी, ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है, और इसके अंदर जब म्यूचुअल फंड 40-60% अपना एसेट इक्विटी में लगाता है और 40-60% डेट में लगाता है, तो उसे आप जो है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड कहते हैं. पर इसमें आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी परमिटेड नहीं होती. आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि आप एक फंड से दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते रहें सिर्फ प्रॉफिट पाने के लिए. जी, इसके अलावा आगे हम हाइब्रिड के उसकी दूसरी किस्मों पे हम चर्चा करेंगे. जैसे और अगर हम आगे बात करें तो जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड हैं, इसमें कितना परसेंट इक्विटी में है और कितना डेट में है? जी, जैसे शब्द बताते हैं, अगर कंजर्वेटिव है तो जो हाइब्रिड फंड की स्कीम है वो डेट पे ज़्यादा जो है अपना झुकाव रखती है. वैसे अग्रेसिव फंड का मतलब है कि आप अपने रिटर्न्स के प्रति ज़्यादा अग्रेसिव हैं. तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 65% से 80% जो है कॉर्पस की वो इक्विटी में होती है और 20-35% आपकी डेट में होती है. तो क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है तो इसलिए माना जाता है कि वो एक एग्रेसिव फंड है अपने रिटर्न्स के लिए, या एक एग्रेसिव इन्वेस्टर की चॉइस है. व्हाट अबाउट द आर्बिट्राज फंड्स? यामिनी, यू मेंशनड अ व्हाइल बैक अबाउट आर्बिट्राज. सो व्हाट डज द टर्म आर्बिट्राज मीन एंड व्हाट इज एन आर्बिट्राज फंड? Arbitrage is a particular strategy in which you take simultaneous positions to take an advantage of a situation. So when you take simultaneous positions of buying and selling primarily to earn profits, it's called an arbitrage opportunity. The arbitrage can be in time or it can be space. Like you buy something today and you sell it 2 days later and you make a profit on that. That is called an arbitrage benefit. Or let's say you buy it from one market and you sell it in another market, is also called an arbitrage opportunity. Now, usually when people want to make profits, they make arbitrage strategies by shifting the fund portfolios from one particular securities to another particular securities. When the minimum investment in equity and equity related instruments is about 65% of the total assets and it's an open-ended scheme, it is called an arbitrage fund. Okay, and what about the equity savings fund? So your equity savings fund is a fund which is again an open-ended scheme, as we understand. It has about 65% of the total assets and a minimum investment in debt of about
10% of the total funds. The minimum amount is actually hedged, which is there in the particular security. So it's an equity savings scheme which is then adopted. So hybrid fund scheme funds are those funds in which a beginner should primarily invest, or any would you recommend that any mature investor could also get into? Hybrid funds, both mature and beginners can invest in. For beginners, it is a more better choice because you do not know the portfolio allocations and you may be looking in for higher returns. For safer returns, a beginner can also opt for debt funds, which are there with different durations depending upon when you want the particular specific returns for yourself. यामिनी अपने अलग अलग तरह के जो भी हाइब्रिड फंड्स की चर्चा की उसमें आपने बताया कितना प्रतिशत इक्विटी में है और कितना डेट में है या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में है लेकिन क्या इनमें कोई ऐसी भी श्रेणी है फंड्स की जिसमें कि ये डायनेमिक रहता है और उसको बदलते मतलब अपने हिसाब से समय के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं जब आप पोर्टफोलियो एलोकेशंस को डेट और इक्विटी में कंटिन्यूसली चेंज करते हैं 60-40, 30-40, 30-70 ऐसे कोई एलोकेशंस को बदलते रहते हैं उन्हें डायनेमिक फंड्स कहते हैं और डायनेमिकली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स कहते हैं इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोपोर्शन को आपको स्कीम में मेंटेन नहीं किया जाता पर उन्हें स्विच ओवर किया जाता है प्राइमरली फॉर अर्निंग हायर रिटर्न्स और ये भी ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं जी और ये शायद जो पुराना बैलेंस्ड फंड जो एक श्रेणी थी ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ है क्योंकि उस समय वो निश्चित नहीं था कि कितना प्रतिशत आप किस में रखेंगे ये बाद के वर्गीकरण में हुआ है ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं वो प्राइमरली इन्वेस्टर को थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझाने के लिए बनाई गई हैं ताकि एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करे उसे पता हो वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए जब म्यूचुअल फंड कोई स्कीम लाता है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लाता है ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि वो किस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और कितना प्रतिशत वो म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा या डेट में इन्वेस्ट करेगा और उसका टाइम होराइजन कैसा रहेगा सो अपार्ट फ्रॉम द हाइब्रिड स्कीम्स वी आल्सो हैव द सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स फंड्स अवेलेबल टू अस लाइक द रिटायरमेंट फंड वुड यू लाइक टू एलैबोरेट बिकॉज दिस इज वन फंड दैट अ लॉट ऑफ आवर लिसनर्स वुड बी इंटरेस्टेड इन So when we talk about mutual funds, the mutual funds primarily are wanting to give you a specified returns on your corpus that you're wanting to invest. So when we talk about solution-oriented schemes, they are looking at one particular objective of the investor. So one of the important schemes is called the retirement fund, which is there. So this scheme has a lock-in period of about 5 years. Or till the retirement age, whichever is earlier. It is an open-ended retirement solution-oriented scheme and is primarily meant for people who are wanting to get money after their retirement or after 5 years. So would NPS come under this? The NPS, the National Pension Scheme, when we talk about, is a pension scheme whereby, they actually allow you to make portfolios for yourself, either through the active mode or through the choice mode, which they already have. And you can invest it for a specified period of time where the lock-in is minimum 3 years. And thereby, you can also request for withdrawals primarily for the purposes of a child's marriage or for the education purposes or for medical purposes, which is there. And otherwise, and you have to, when you actually take out the particular funds, a certain amount of fund has to be mandatorily be invested in an annuity, which is there. In this particular case, unlike in NPS, there is no limitation on the particular amount of fund which has to be invested in a annuity after the fund matures, which is after 5 years. So after 5 years, you can get your funds and you can redeem your funds, the entire amount that is there, before the retirement age that is there. Okay, you are listening to Money Matters on our news on AIR official YouTube channel. You may ask questions in the comments section of the YouTube channel and through our email ID, moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स में फिर से आपका स्वागत है आज हम चर्चा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के प्रकार पर और हम श्रोताओं को याद दिला दें कि कल इस कार्यक्रम में चर्चा होगी आम आदमी के लिए बजट की जानकारी पर
तो यामिनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करें तो क्या बच्चों के लिए भी कुछ खास है उसमें? लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए निवेश करना चाहेंगे कि उनकी एजुकेशन को वो फंड कर सकें. तो उनके लिए एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रंस फंड. इस स्कीम के तहत आप जब निवेश करते हैं तो आपका जो पैसा है वो 5 साल तक के लिए लॉक हो जाता है, या फिर जब तक बच्चा मेजॉरिटी नहीं अटेन करता. ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है और एक बच्चे के एजुकेशन या उसके फ्यूचर के लिए ये स्कीम निकाली गई है. What about the index funds or the ETFs? Though we have had a discussion on this earlier as well, but we would like you to throw some light on the index funds. When we talk about index funds, they're again an open ended scheme which is there. And the minimum investment in the securities is done in a particular index which is there. So, which is going to be replicated. So, you have, let's say, a Sensex, you have Nifty, you have different types of indexes. You have BankEx and the others, which can be used as a portfolio in which you can invest. 95% of the total assets are then invested in the securities of that particular index which you are trying to replicate. और फिर हम कुछ जानकारी आपसे चाहेंगे फंड्स ऑफ फंड्स के बारे में. फंड्स ऑफ फंड्स आपके ओवरसीज और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए हैं और आपके ओपन एंडेड फंड है और फंड इन्वेस्टिंग स्कीम जो है वो पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करती है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके एक पर्टिकुलर फंड के अंदर, जो एक अंडरलाइंग फंड जिसे हम कहते हैं उसके अंदर जब इन्वेस्ट करती है तो 95% ऑफ इट्स असेट वो उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करती है. ये अंडरलाइंग फंड कोई भी इक्विटी, डेट या कोई और फंड हो सकता है. सो इफ Now that we have a fair idea about the types of mutual funds that are available in the market, debt, equity, hybrid, solutions-oriented funds, how should one go about making a portfolio for oneself? One should always look at one's investment objectives that is there. Define the money that one has as a corpus which he wants to invest. Define as to what amount of money he can keep for the long term and what amount of money would he need to be replicated in the short term. So the money which he defines for the long term and he's willing to take risk on it, he can then define which mutual fund he would like to invest in. The money on which you would want short-term gains or regular incomes that are there, then those particular investments can be made in certain specified debt schemes or hybrid schemes that are there. When one has a specific targeted objective like retirement or children's education, then these particular funds can be used for that particular purpose. Also, what is important to note is that What is the condition of the risk which is an investor is willing to take. If an investor is willing to take the entire risk and is likely to go in for a full potential of one's entire wealth, then he may choose to be aggressive and invest more on the equity side. What the government in the NPS scheme has identified is that when you make your portfolios, you should not invest more than 50% of your money in equity. And the rest of the money should be divided into debt funds and liquid funds that are there. That means invest somewhere around 25% or 30% in debt funds, which give you regular income. Invest the rest of the funds for liquid funds for any particular immediate need that you might have to meet for yourself. यामिनी, कई बार होता है हम निवेश करते हैं और वैसे भी अक्सर हम चर्चा कर रहे होते हैं कि हम कैसे हर साल हमें देखना चाहिए कि हमारा निवेश कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या हालत है, और फिर एक साल के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे ठीक ठाक कर लें, तो रीबैलेंस कर लें. जी, तो उसके लिए हमें क्या कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? जब हम रीबैलेंस की बात करते हैं वो उसका मतलब होता है कि कैसे हम अपने जो एलोकेशंस हमने की हैं
या म्यूचुअल फंड्स में या कुछ सिक्योरिटीज़ के अंदर या फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर, उनको हम कैसे चेंज करें ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले मिनिमम रिस्क के साथ. तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना एलोकेशन रेंज आइडेंटिफाई करें कि आप कितना फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहते हैं, आप कितना डेट सिक्योरिटीज़ में डालना चाहते हैं, कितना इक्विटी में डालना चाहते हैं. उसमें भी आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ लाइफ सेविंग स्कीम्स जैसे इंश्योरेंस हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो NPS है या कोई और पेंशन स्कीम्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. या फिर जब आप ये एलोकेशंस रेंज अपनी आइडेंटिफाई कर लें तो आप एक एनुअल चेक करें कि कितना आपको रिटर्न मिल रहा है इन स्कीम्स के ऊपर और आपको एक टोटल रिटर्न कितना बैठ रहा है पूरे साल के अंदर. आप इसके बारे में भी ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड्स में जैसे एग्जिट लोड्स हैं वो कितने हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा और चीज़ों के बारे में. जैसे अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, पर जब और जो डिविडेंड इनकम आपको म्यूचुअल फंड से भी मिलती है वो भी टैक्स फ्री होती है, पर जब आप कैपिटल गेन्स अर्न करते हैं म्यूचुअल फंड पे तो आपको टैक्स पे करना होता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना होगा. ऐसे ही आप कभी भी एग्रेसिव होकर के एक ही चीज़ के अंदर अपना सारा पैसा कभी ना लगाएं, क्योंकि पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आप अपने जो पैसे हैं उसको डाइवर्सिफाई करें ताकि उसका रिस्क कम हो सके. जैसे कि हमने बताया कि थोड़ा पैसा FD में ज़रूर लगाएं, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में लगवाएं या डेट में लगाएं या बैलेंस करके लगाएं उसको, ऐसे ही थोड़ा पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए रखें, थोड़ा पैसा अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए रखें, तो उन्हें डिवाइड करें ताकि जब अगर कोई स्कीम आपको किसी भी तरीके से पैसा कम देती है या नुकसान पहुँचाती है तो वो आपका सारा पैसा ना उड़ाए. और दूसरी बात ये भी देखी जाए कि जो टैक्स एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा आपको मिल सके, आपको जो इंटरेस्ट आपको पे करना हो उस पर जो है टैक्स ना देना पड़े. जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में ELSS में इन्वेस्ट करेंगे तो 150,000 तक आपको ATC की डिडक्शन मिलेगी. ऐसे ही अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट होता है. अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 एक्स्ट्रा 150,000 से ऊपर आपको टैक्स का फ़ायदा होता है जब आप निवेश करते हैं. तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना निवेश करें और अपने फंड को अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से एडजस्ट करें. अगर आप 50 से ऊपर हैं तो ज़्यादा एग्रेसिव ना लें, क्योंकि पैसा उस समय कमाने के सोर्सेज थोड़े कम होते हैं. पर अगर आप यंग हैं तो आप अपना पैसा ज़्यादा एग्रेसिव स्कीम्स में लगा सकते हैं, ज़्यादातर इक्विटी में लगा सकते हैं, क्योंकि आपके आने वाले फ्यूचर में आपके पास अर्निंग का पोटेंशियल ज़्यादा होता है. हाँ, तो यामिनी, जो आज हमने जिस पर विस्तार से चर्चा की है, हाइब्रिड, यानी कि ये काफ़ी संतुलित किस्म का है, बैलेंस्ड है, जिसको पहले बैलेंस्ड कहते भी थे, इसमें हम मान के चलते हैं कि इक्विटी के मुकाबले काफ़ी कम जोखिम होगा. जी, जब हम बैलेंस्ड फंड की बात करें या हाइब्रिड फंड्स की बात करें, हम ये मानते हैं क्योंकि हम पोर्टफोलियो को डिवाइड कर देते हैं तो हम कुछ सेफर रिटर्न्स लेते हैं जो डेट के थ्रू आते हैं, और कुछ हम अपने जो पैसे हैं उसको ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे हमें पोटेंशियली रिटर्न्स ज़्यादा मिलने के फ़ायदे होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रिस्क प्रोफाइल इक्विटी फंड से कम होता है. जी, सो व्हाट इम्पोर्टेंस डज द टाइम प्ले इन ऑल दिस? Can I invest over a period of time or should I invest lump sum? So SIPs, which are systematic investment plans, usually give an opportunity to invest on a regular basis by giving small amounts of your allocations of your salary or your particular amounts that are there, which do not primarily time a market but average the market whenever you can invest and bring about a saving habit and an allocation to it. Timing a market for an individual investor is usually much more difficult until and unless he is really trained and has a good idea about the market. यामिनी, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू यामिनी. थैंक यू. And before we close, a reminder on tomorrow's topic, which is Common Man's Guide to Understanding the Budget. Thank you for listening and joining us in today's edition of Money Matters. Till tomorrow, it's goodbye.